the term is called as cutaneous respiration. So that term is the cutaneous respiration. Nares, which is a respiratory organ, nares, there is parapodia. Parapodia is used for respiration as well as locomotion in nares. Insects, they have the trachea, right? Insects may have trachea. Centipedes, millipedes may be trachea, tracheal system of respiration. Cockroach may be aapko pata hai, tracheal system hai. Spiders and scorpions, they have the book lungs. Marine king crab, marine king sir, crab. Sumit sir, ek minute, sorry. Bola, sir, tumcha option, ithe je share screen cha options madhe, discable annotation mhanun option hai sir. Okay, share discable participants option. Annotation. Okay, okay, ek minute sir. Share screen मध्ये जाऊ पण शेअर स्क्रीन येतच नाही सर. नाही नाही आता तुम्हाला काही ऑप्शन दिसत नाहीत का स्क्रीनवर? वरती वरती टॉपला टॉपला लीव लीव मीटिंग आहे आणि झूम आहे आणि व्हॉइस आहे म्हणजे मीटिंग सेटिंग्स मध्ये सेटिंग्स मध्ये जाऊ का? नाही मीटिंग सेटिंग मध्ये नाही यायचंय. स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट किंवा पेन कलर हा त्याच्या साईडला तुम्हाला बघा एक क्लिअर म्हणून ऑप्शन दिसतोय क्लिअर ऑल ड्रॉइंग्स. हा क्लिअर क्लिअर दिसलं बरोबर. हा ते क्लिअर करू का? हा ते मी केलं आता. ऍक्च्युली स्टॉप अॅनोटेशनचं ऑप्शन असणार सर तिकडे तुम्हाला. एकच मिनिट. ठीक आहे सर. ओके हे स्टुडंट्स कोणी स्क्रीनला हात लावू नका. अनोटेशन्स हा ओके show names of annotators and annotate म्हणून येत आहे content share annotate annotate ला yes disable आहे का तिकडे disable. अच्छा enable आहे disable करू का annotate? हा म्हणजे काय होईल no one can annotate. ओके ओके मी disable करतो सर. येस ओके डन सर डन. हा ओके सो marine king crab then the prawns unio and pila they have the gills echinodermata. एकेनोडर्म्स में आपको पता है स्टारफिश आता है उसमें ट्यूब फीट डर्मल ब्रैंकिए रेस्पिरेटरी ट्री फिश टैडपोल्स दे हैव दी गिल्स फ्रॉग्स एंड टोड्स दे हैव दी बकोफेरिंजियल लंग्स एंड स्किन. सो दे हैव थ्री मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन. स्किन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. लंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एंड बकोफेरिंग्स दैट इज कॉल्ड बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन. ये किसमें? फ्रॉग्स और टोड्स में. Reptiles, mammals have lungs. Birds may lungs or air sacs. Lungfish, lungfish का दूसरा नाम है African toad. Confused बहुत होना. Toad अलग है और lungfish, lungfish is a connecting link. 10th standard में था ये आपको. Lungfish is a connecting link between fish and amphibians. तो lungfish का दूसरा नाम है African toad. तो जब भी आपको toad आएगा वैसे मत सोचो कि toad तो अलग सिर्फ toad दिया है तो वो amphibian है. Only if toad is given then it is amphibian. But when they mention African toad, it is lungfish. Then herd mania, आपको पता है Eurochordata, उनके पास test होता है या tunic होता है. Marine turtles, very important. Marine turtles, cloacal respiration. They have a common passage called cloaca. And mollusca, like Unio, they have the mantle. मेंटल स्पेलिंग वहां पे जो मेंटल है वो मेंटल नहीं है वो मेंटल है एम ए एन टी एल ई. आपको पता है मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल. सो एम ए एन टी एल ई याद रखना. देन वी गो इट टू द मेन पॉइंट्स दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स इन द लंग्स. कौन से स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है लंग्स के अंदर?
that is the Kolchinsky cells or angiotensin cells, they secrete serotonin and histamine. Serotonin आपको पता है constrictor है, constriction करता है, और histamine vasodilator है. ये आपको पता होगा, histamine is a vasodilator, serotonin is a constrictor. क्लारा सेल्स का याद रखो, एक बार आया था. क्लारा सेल्स दे सीक्रेट सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट यानी क्या? क्या लंग्स को फ्रिक्शन नहीं होने देना, लुब्रिकेशन. सो दैट सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाई, यहाँ पे लिखा है डाई एपालमिथिल लेसिथिन. सो डाई एपालमिथिल लेसिथिन एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेंट. ओके, एंड इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द लंग्स. लंग्स को मतलब ये कोलैप्स, लंग्स का कोलैप्स होने से रोकता है, राइट? ब्रेथलेसनेस वगैरह जो होता है, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, जैसा आप COVID-19 कोरोना में, दैट इज वन सिम्टम. सो कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट. ये कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? एटेलेक्टेसिस, राइट? कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? एटेलेक्टेसिस. ओके, दैट इज द वर्ड फॉर द लंग कोलैप्स, दैट इज कॉल्ड एटेलेक्टेसिस. और अगर डेथ कैन ऑकर बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. कोरोना वायरस इज ऑल्सो कॉजिंग SARS एंड MERS, पता है ना, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या राइट? देन डस्ट सेल्स, डस्ट सेल्स फैगोसाइटोसिस करते, दे हेल्प इन द फैगोसाइटिंग, दे कवर द जर्म्स. पल्मोनरी वॉल्यूम्स हमने किए थे अगर आपको याद है तो, राइट? टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, ये सब हो गया था. मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में याद रखना कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज वन इज हीम एंड वन इज द ग्लोबिन. ग्लोबिन इज मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स. अल्फा चेन्स में अमीनो एसिड कितने? 141. और बीटा चेन्स में कितने अमीनो एसिड है? 146, राइट? सो अल्फा एंड बीटा 141 एंड 146. मायोग्लोबिन हैज ओनली वन चेन. ओके, हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, मायोग्लोबिन हैज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 153 अमीनो एसिड्स. ओके, 153 अमीनो एसिड्स. सो हीमोग्लोबिन कैन स्टोर मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द मायोग्लोबिन. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल. इंस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपिरेटरी सेंटर कौन कंट्रोल करता है? इंस्पिरेटरी सेंटर इज कंट्रोल बाय व्हाट? मेडुला ऑब्लोंगेटा. इंस्पिरेटरी सेंटर इज कंट्रोल बाय व्हाट? मेडुला ऑब्लोंगेटा. एंड फंक्शन इज फॉर इंस्पिरेशन. सो इंस्पिरेटरी सेंटर इज इन द कंट्रोल ऑफ मेडुला. देन एक्सपिरेटरी सेंटर इज ऑल्सो इन द कंट्रोल ऑफ व्हाट? मेडुला. एपनोस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये दोनों सेंटर कहां पे? पॉन्स वेरोलाय. Epnostic center and pneumotaxic center, they are present in the pons varuli. And what do they control? Epnostic center kya control karta hai? Slow and deep inspiration. Epnostic center kya control kar raha hai? Slow but deep respiration. Aur pneumotaxic center kya control kar raha hai? Controls the other centers and produces the normal quiet breathing. Right? So normal quiet breathing is controlled by pneumotaxic center. Slow and deep inspiration by the epnostic center. Gasping center. Gasping यानी कि क्या? Breathlessness. Breathlessness. Breathlessness के लिए जो word है उसको बोलते हैं dyspnea. The word for breathlessness is called as what? Dyspnea. So gasping center, sudden and shallow respiration. Shallow का मतलब क्या है? Deep मतलब क्या? Shallow मतलब एकदम air कम लेते हैं एक time पे, लेकिन काफी time breathe करते हैं. Fast breathing. Sudden and shallow. That is called gasping. Choking, choking sensation, suffocation. RQ तो आपको बता होगा, respiratory quotient, ये इसमें भी था. Volume of CO2 formed upon volume of O2 utilized. Right? What is respiratory quotient? Volume of carbon dioxide formed upon the volume of oxygen utilized is the respiratory quotient. तो ये आपको पता होगा.
respiratory quotient of carbohydrate is exactly one. Volume of carbon dioxide and volume of oxygen is equal. कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अपॉन कितना ऑक्सीजन यूज किया. प्रोटीन्स का 0.5 टू 0.9, सो इट इज लेस देन 1. फैट्स इज 0.7, लीस्ट आरक्यू फैट्स का है. और ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड है उसका 1.33, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हियर. जो जो इम्पोर्टेंट है, सी आई नो दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस. देखो हिकअप मतलब हिचकी जो आती है. हिचकी क्या है? इट इज द नॉइजी इंस्पिरेशन कॉज बाय द स्पैजम ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम आपको पता है ना लंग्स के नीचे. सो उसमें जब इंस्पिरेशन इनकम्प्लीट होता है, नॉइजी होता है, तो क्या होता है? एयर इज सडनली स्टक बाय द वोकल कॉर्ड्स. राइट. सो डायफ्राम में एक्चुअली इसका प्रॉब्लम डायफ्राम में है. देर इज इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम और जिसकी वजह से क्या होता है, देर इज नॉइजी इंस्पिरेशन. सांस अंदर लेते वक्त वो हिचकी, जैसे हिक आता है, हिक द साउंड इज कॉल्ड एज हिक एंड सो इट इज कॉल्ड हिकअप बिकॉज ऑफ द साउंड हिक. सकिंग ऑफ एयर बाय वोकल कॉर्ड्स. हिक क्यों आता है? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स, राइट, सडन जर्की इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन सडन होता है, जर्की होता है. Because of that spasm of the diaphragm, spasms, contractions of the diaphragm. Yawning तो आपको बता होगा, yawning is different. Yawning में क्या होता है? Yawning is different. Yawning, there is the oxygen is less. When there is less oxygen, it is called as yawning. Okay, yawning अलग है. राइट. सो यू कैन सी हियर, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टर्म्स को याद रखना प्लीज. दीज टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये देखो कितने सारे टर्म्स है. पहला टर्म कौन सा है? एपनिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपनिया? दैट इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग. एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज एपनिया. ओके. यूपनिया इज व्हाट? नॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? यूपनिया. सो पहला क्या है? एपनिया. दूसरा यूपनिया. तीसरा हाइपोपनिया. हाइपो मतलब क्या? कम. डिक्रीज ब्रीदिंग रेट. हाइपो, हाइपोपनिया. फास्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरपनिया. हाइपरपनिया इज इंक्रीज ब्रीदिंग. डिस्पनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू. डिस्पनिया इज व्हाट? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. राइट. ऑर्थोपनिया मतलब क्या? इनएबिलिटी टू स्लीप और इनएबिलिटी टू ब्रीद इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन. बहुत लोग ये प्रॉब्लम होता है, पता है आपको, जिसको कफ होता है. आप लोग ऑब्जर्व करो, रात को अगर खांसी है, कफ है, तो बैठेंगे तो अच्छा लगता है, जब सोते हैं तो ज्यादा खांसी आती है. When you sleep, there is more cough, right? So, sleeping position में there is more difficulty to breathe. अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया है और हैवी खाना खा के अगर आप डायरेक्टली सोते हो तो यू विल हैव लिटिल डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग. देन और ये हो गया एकैप्निया. नाउ जहां पे कैप्निया रहेगा ना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. एकैप्निया मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. हाइपोकैप्निया मतलब क्या? लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. हाइपरकैप्निया मतलब क्या? मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. राइट. एनोक्सिया याद रखो, एनोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया मीन्स लेस ऑक्सीजन. हाइपो इज लेस ऑक्सीजन and anoxia is lack of oxygen in tissues. And rapid fast breathing is called tachypnea. अगर आपको याद है, pulse rate जब high हो जाता है उसको बोलते हैं tachycardia. So tachy is for fast.
right? So rapid breathing is tachypnea. कुछ selected animals का इसमें मैं share करता हूँ आपको. That is, what are their pigments, respiratory pigments जरा discuss करते हैं. So the respiratory pigments, ये देखो rare animals में आप देख सकते हो hemoglobin तो red color ही देता है obviously. Hemocyanin भी आपको पता होगा उसमें copper है, ये भी दिया था textbook में, याद है ना mollusca, hemocyanin mollusca, right? Chlorochlorin, देखो chlorochlorin green pigment देता है, एक some annelids में है. तो मैं बेसिकली आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली इतना ही बताऊंगा कि रेड कलर के पिगमेंट कौन कौन से, हाउ मेनी आर द रेड कलर्ड पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन है, हीमो एरिथ्रिन है, एनालिडा में हीमो एरिथ्रिन है, हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमो एरिथ्रिन है पहला, जिसमें क्लोज सर्कुलेशन और रेड ब्लड आया, पिंकिश रेड ब्लड, याद है रेड इज एनालिडा. एनालिडा में क्या था अपना हीमोग्लोबिन कहां पे, आरबीसी पे. Our hemoglobin is present on the red blood cell, but uska jo hemoerythrin hai, that is dissolved in the plasma. Plasma mein dissolved hai, RBC pe nahi hai. Theek hai, aur red kaun sa hai? Echinochrome. Easy hai, echinodermata mein echinochrome. Uske baad kaun sa hai? Hemoglobin to aapko pata hi hai, right? And erythrochlorin. Dekho last leech mein kya hai? Erythrochlorin. So then let us go ahead. So we can now solve. Let me see if any synopsis is left to discuss. Yes. Okay, ये भी बहुत important है. All of you will pay attention. Accumulation of the blood. Upar dekho, upar se third point. Accumulation left side. Accumulation of blood in the pleural cavity is called as what? Hemothorax. Heme matlab kya blood hai? So jab blood accumulate hota hai, apne pleural cavity pata hai na? Do lungs ke beech mein pata hai protective coverings hai. Pleura, parietal pleura, visceral pleura. Between the pleura there is pleural cavity. So when the blood gets accumulated, it is called as what? Hemothorax. Agar pani accumulate ho gaya, to usko bolte hydrothorax. Hydro yani what? You know, hydrothorax. Pus ho gaya, to pyothorax. Pus accumulation is pyothorax. And air accumulation, excessive air accumulation is called pneumothorax. Pneumothorax. Right? Then dekho, breathing ka speed obviously bachcho mein fast hai. Newborn child 32. 5-year-old child धीरे धीरे स्टेबिलाईज होता है 26. Then no respiratory pigment in cockroach आपको ऑलरेडी पता है. ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, किसी को याद होगा स्टूडेंट्स को. इन प्रेग्नेंट वुमेन डायफ्राम डज नॉट टेक पार्ट इन द ब्रीदिंग. प्रेग्नेंसी में डायफ्राम, नॉर्मली डायफ्राम टेक पार्ट इन ब्रीदिंग, बट इन द प्रेग्नेंसी स्पेशली इन द लास्ट टर्म ऑफ द प्रेग्नेंसी diaphragm has no role in the breathing, because diaphragm, you know, cannot go up and down like the normal cases. बाकी तो आपको मैंने बता दिया है. ये देखो, ये कोरोना वायरस का देखो आ गया. कोरोना वायरस बहुत पहले से ही पता है. यस, इसको याद है ना, एक स्टूडेंट ने भेजा है. नाउ aquatic salamander is a lungless amphibian. अच्छा, snakes का याद रखो, snakes में only right lung is functional. सांप में lungs तो दो होते हैं, लेकिन only right lung is functional, left lung is reduced. Left lung is reduced, only right is functional. Penguins में double trachea होता है.
देखो प्रेग्नेंट फीमेल्स में रेस्पिरेशन कौन करता है, डायफ्राम तो करता नहीं है, तो फिर कौन करता है? इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। यू ऑल नो व्हाट इज इंटरकोस्टल मसल्स? कोस्टा मतलब रिब्स, कोस्टे मींस रिब्स, सो व्हाट इज इंटरकोस्टल? बिटवीन द टू रिब्स, द मसल्स बिटवीन द टू रिब्स आर कॉल्ड एज द इंटरकोस्टल मसल्स। और दो टाइप के इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सो दे आर एक्टिंग फॉर द राइट द ब्रीदिंग राइट इन द प्रेगनेंसी। देखो नाउ व्हेल्स एंड अदर एनिमल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा था कि सर व्हेल है, व्हेल मैमल है राइट, व्हेल इज अ मैमल, वैसे भी वो यू नो ऊपर आता है और फिर हवा से ही ब्रीथ करता है, तो फिर जब वो लैंड पे आता है तो मरता क्यों है? यू नो लाइक व्हेल्स जब लैंड पे आते हैं गलती से, कभी कभी लैंड पे आ जाते हैं टाइड्स के वजह से राइट, व्हाई डू दे डाई राइट? देखो ये जो बीच पे मुझे याद है एग्जैक्ट पता नहीं, 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले यू नो मैं अंधेरी में ही था और वहां पे मुझे फोन आया 2-3 स्टूडेंट्स से और इन पहचान वालों ने कि जुहू बीच पे ब्लू व्हेल आ गया। आप लोग गूगल कर सकते हो, जुहू बीच पे एक्चुअली ब्लू व्हेल आया था, वो मर गया बाद में बेचारा राइट, बट व्हाई ही डाइड जुहू बीच पे, इमेजिन ब्लू व्हेल राइट। सो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि बिकॉज दे सफोकेट ऑन द लैंड, बिकॉज देयर इंटरकोस्टल मसल्स कैनॉट एक्सपांड। पानी में कैसा होता है, वो प्रेशर का बैलेंसिंग हो जाता है, लेकिन लैंड पे आते ही व्हाट हैपेंस, देयर ह्यूज बॉडी मास राइट, ग्रेविटी कम्स इनटू द पिक्चर एंड दे कैनॉट एक्सपांड देयर चेस्ट। नॉर्मली इंटरकोस्टल मसल्स पता है ना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, लेकिन लैंड के ऊपर वो अपना इंटरकोस्टल मसल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज बॉडी मास राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सफोकेट एंड डाई। इट इज नॉट दैट दे कैनॉट ब्रीथ, वो एयर से ही ब्रीथ करते हैं वैसे भी, तो हवा तो मिल रही है लेकिन इंटरकोस्टल मसल्स इज नॉट यू नो एक्टिव, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। नाउ सार्स, देखो इससे पता चलता है कोरोना वायरस कुछ अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना बुक है, बहुत पुराना बुक है। देखो सार्स इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम राइट, COVID-19 इज ऑल्सो टाइप ऑफ सार्स ओनली, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इट इज हाईली इंफेक्शियस डिजीज कॉज बाय द कोरोना वायरस। यू नो कोरोना वायरस को नाम कोरोना मिलने का एक कारण बताओ आपको मैं क्या है? अगर आपने कोरोना वायरस देखा है तो कोरोना एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द सन, पता है आपको सन के आसपास कोरोना होता है। कोरोना वायरस देखो स्ट्रक्चर में कैसा है, उसके ऊपर जो एंटीजन है ना, दैट इज लाइक द कोरोना ऑफ द सन राइट, सन ऑल्सो एज अ कोरोना फ्रॉम दैट यू नो प्रेजेंस ऑफ क्राउन्स, यस इवन देयर इज अ कोरोना इन द सन, यू कैन गूगल इट सन कोरोना करके। सो कोरोना वायरस इज अ आरएनए वायरस, द जीनोम वाज सीक्वेंस विद इन 15 डेज। कोरोना वायरस का जीनोम मतलब पूरा जीन्स का स्टडी 15 दिन में हो गया था। देखो वहां पे लिखा है, ये अभी का नहीं है टेक्स्ट बुक, बहुत पुराना है ये बुक राइट। द ओरिजिन ऑफ सार्स इज फ्रॉम साउथ चाइना, दिस डिजीज स्प्रेड टू हांगकांग, ये बहुत पहले की बात है, अभी जो है वो नोवेल कोरोना है, इन लोगों ने मॉडिफाई किया है। देखो बर्ड सेलर्स एंड पर्सन इन कॉन्टेक्ट विद बर्ड सफर्ड फ्रॉम सार्स वुहान, वुहान। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन आर लाइक फ्लू, फीवर ऑकर्स विद ड्राई कफ, है कि नहीं सेम हो रहा है कि नहीं? फीवर ऑकर विद ड्राई कफ, देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फ्लूइड फील्स इन द लंग्स, मतलब क्या होता है फ्लूइड फील होगा तो क्या होगा बोलो, चैट में भेजो, अभी अभी मैंने पढ़ाया, सब लोग भेजो चैट में, अभी मैंने पॉइंट बताया, व्हेन देयर इज फ्लूइड फील्ड इन द लंग्स व्हाट इज इट कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, लंग्स फेल होता है, कोलैप्स ऑफ लंग्स होता है, रेस्पिरेटरी फेल होता है, उसके लिए भी मैंने बताया। न्यूमोथोरैक्स मतलब डियर शांतनु, न्यूमोथोरैक्स मतलब एयर, फ्लूइड फील होता है, फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स होगा। और लंग फेल को क्या बोलते हैं, अभी भी मैंने पॉइंट सिखाया आपको, एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस होगा ठीक है। फीवर विथ कफ सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड एक वीक में डेथ हो जाती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। रेट ऑफ डेथ वॉज इनिशियली 4% राइट, इनिशियली रेट ऑफ डेथ कितना था 4%, नाउ द डेथ रेट तभी है वो कोरोना वायरस, अभी के वाले की नहीं बात कर रहा, डेथ रेट इंक्रीज टू 10%। अभी इंडिया में मेरे ख्याल से एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर 3.5% मोर्टेलिटी रेट है,
3.5% के आसपास डेथ रेट चल रहा है, जितने भी लोगों को कोरोना हो रहा है 3.5% आर डाइंग, मतलब 100 में 3 लोग 4 लोग, बट इवन दैट इज अ ह्यूज फिगर. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज व्हाट? क्वारंटाइन, राइट? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज व्हाट? क्वारंटाइन एंड राइबोवेरिन. कोरोना के लिए कोई मेडिसिन एक्चुअली है ही नहीं, पेशेंट अपने आप ठीक हो रहे हैं. अभी तो बेड भी नहीं है, तो कोरोना पेशेंट को बोला है घर में ही क्वारंटाइन हो जाए. आफ्टर गेटिंग कोरोना घर में ही है लोग बहुत सारे, क्योंकि अभी बेड ही नहीं है अवेलेबल. सो घर में क्वारंटाइन होना है इफ यू हैव सर्टेन फैसिलिटीज. देन पॉजिटिव एजेंट वॉज आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर मलिक पेरिस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओके ऑफ हांगकांग, ओके दैट ये नहीं पूछे. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द सिनॉप्सिस दैट आई वांटेड टू शेयर. नाउ वी विल गो फॉर द एमसीक्यूज प्लीज. So I will be sharing the MCQ file, just wait. So hopefully आपने पढ़ाई की है, you have studied properly for this chapter. Just wait one second. Kasat sir, हाँ बोला सर. सर माझे एमसीक्यू कॉपी तर आहे आपली, पण ती माझ्या डॉक्युमेंट्स आणि मी ट्राय केलं तसं फाईल ते आता केलेलं तसं शेअर करायला, पण ती शेअर मध्ये येतात ते येतच नाही, रीड होत नाहीये. तर माझ्याकडे ती पीडीएफ ऍक्च्युली स्क्रीन वर ओपन आहे माझ्या, पण ती मी शेअर नाही करू, तर तुम्ही शेअर करू शकता का तिथून? ठीक आहे सर. येस येस, थँक्यू. शेअर स्क्रीन आलं असतं ना तर खूप म्हणजे मला कळतच नाही, मी ट्राय करतोय. हेच हवंय ना सर? येस येस येस, ओके सर. काही पर्टिक्युलर क्वेश्चन्स हवेत का तुम्हाला?
जेवढे मॅक्सिमम करता येईल तेवढं मी करतो कम्प्लीट. ठीक म्हणजे आहे. चालेल, मग ओके तुम्ही सो स्क्रॉल करायला सांगा, मग स्क्रॉल करतो. ओके ओके सर, पहिले आहे म्हणजे सांगतो मी. ओके सर, तुम्ही कसं केलं सर, तुम्ही कसं केलं म्हणजे तसं सेम मी तसंच माझ्या केलं. फाईल आधी ओपन केली आणि मग शेअर केली. म्हणजे शेअर शेअर डॉक्युमेंट का शेअर फाईल शेअर हा, स्क्रीन. हे डॉक्युमेंट आहे ना, पीडीएफ. ओके 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 ठीक आहे सर. येस 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 थँक्यू. सो चलो लेट स्टार्ट फास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज युटिलाइज्ड, आप लोग को आंसर चैट में भेजना है राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज. वेरी गुड परफेक्ट, राइट आंसर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन राइट है. देन सेकेंड वन, identify the byproduct released during respiration. Perfect, right answer is carbon dioxide. Very good, carbon dioxide is a byproduct which is released during the respiration. Lower invertebrates like cylindrates, isse maine abhi aapko abhi synopsis mein bataya na, wo table bataya tha. Lower animals cylindrates perform the respiration by. Very good, very good. Om, Megha, Reem. Yes, perfect. The right answer is simple diffusion over their body surface. Right. Uske baad, which of the following groups of organisms use gills as a respiratory organ? Gills. Yaad rakhna, gills ki baat kar rahe. देखते कौन राइट आंसर दे रहा है. चलो फास्ट, अभी तक दिया नहीं किसी ने. डी ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये एमसीक्यू ट्रिकी है. वेरी गुड, चलो आंसर करो जल्दी. संस्कृति डी, ओम बोल रहा है सी. वेरी गुड ओम मेगा, परफेक्ट. ओम एंड मेघा यू आर राइट. सानिका ने अभी बाद में किया है, अभी सब सी बोलेंगे मुझे पता है. ओके एनीवे, सो राइट आंसर सी है. देखो मैं आपको बता दो, ये एमसीक्यू एनालाइज करना है. इसमें आप लोग ने बहुत लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया एक्चुअली. देखो शार्क, टेडपोल, स्कॉर्पियन, मुझे बताओ क्या स्कॉर्पियन में बिच्छू में गिल्स होते हैं? डू स्कॉर्पियन है गिल्स? नो राइट. तो ये चला गया, ऑप्शन ए चला गया. शार्क और टैडपोल में होते हैं? यस. टैडपोल इज द टैडपोल इज यू नो हैविंग गिल्स नो इनिशियली. सो टैडपोल में गिल्स है, शार्क में गिल्स है, स्कॉर्पियन में नहीं. ऑप्शन बी देखो, डॉगफिश. डॉगफिश इज कॉलियोडॉन, क्या उसमें गिल्स है? यस. फ्लैटवर्म्स में गिल्स है? लिवर फ्लू प्लेनेरिया में क्या गिल्स होंगे? नहीं. तो बी चला गया. आप लोग ने ऑप्शन बी कैसे बोला? बहुत लोग ने ऑप्शन डी बोला. मुझे बताओ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में तो चलो गिल्स है, लेकिन क्या कॉकरोच में गिल्स है? इतना तो यार कॉकरोच आना चाहिए ना, कॉकरोच में गिल्स कहां से आएगा? सो आंसर इज सी, शार्क, मोलस्कंस एंड टैडपोल. शार्क तो है ही फिश, टैडपोल भी पता ही है ना, मेंढक बनने से पहले टैडपोल होता है. मोलस्कंस हैव गिल्स, दे हैव एक्वेटिक गिल्स. चलो जल्दी चैट में भेजो, कौन देखते कौन आंसर करता है. व्हाट आर द एक्वेटिक गिल्स कॉल्ड एज? लेट्स सी आंसर्स फर्स्ट. एक्वेटिक गिल्स को क्या बोलते हैं? दिया हुआ है नोट्स में, I have also told you, notes में भी दिया है. Aquatic gills के लिए क्या word है? It is given in the notes, it is given in the textbooks. अभी textbook देख के बोलोगे. Aquatic gills के लिए बोल रहा हूँ. Book lungs तो एक दूसरा part है ना. Book lung is lung, lung like part. Book lung, book gills, वो अलग है. Arthropoda में होता है. Book lung, book gills is in arthropoda. मोलस्का में, ये ऑप्शन देखो ना, सी ऑप्शन में मोलस्का लिखा है. तो मोलस्का में गिल्स होते हैं, लेकिन अलग टाइप के गिल्स होते हैं. दे आर द एक्वेटिक गिल्स. व्हाट आर द स्पेशल एक्वेटिक गिल्स कॉल्ड एज? नोबडी नोज. मैं चैट में भेज रहा हूं सब लोग देखो.
I have sent in the chat. Dika? 10 area, yes. 10 area, okay? They are the aquatic gills, okay? Molluscans. So let's continue. MCQ number 5. Which of the following organism respiration occurs? Ye to bahut easy jaldi. Very good, Megha. Abhi bhi Shantanu A bol raha hai, Om B bol raha hai. Aise kaise aap log, please right answer karo. Yes, Vaishnavi, you're right. Right answer is D. That is obviously earthworm. Earthworm, right? Five answer D is 6. Which organism among the following shows highly developed respiratory system? Sabse developed respiratory system kisme hai? Yes. Right, Vaishnavi, DPS. Ye to bahut aasan hai kyunki options se samajh jana chahiye ki obviously it has to be rabbit. Because rabbit is a mammal. Yes, Sanskriti. Rabbit is a mammal, right? Okay, seventh one. Which of the following is Rin ne bhej diya pehle. Which of the following is correct about cylindrates? Cylindrates ke baare mein kya correct hai? Ye to abhi aaya tha upar MCQ. Right? So seventh has to be B, that they exchange O2 CO2 take place by the simple diffusion across their body surface through their cell membranes. Okay, right, perfect. You all are right. Sir, 8th MCQ yeo shakto. Thank you. So 8th MCQ dekho jaldi. Common passageway for air and food is? Yes, very good. Pharynx, right? Pharynx. Achha, ye maine aapko bataya tha. क्योंकि हमारे बॉडी में देखते कौन चैट करेगा, चैट पे भेजो. ये बहुत फेवरेट एमसीक्यू है. हमारे बॉडी में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है? विच इज अवर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन? चैट में भेजो. वेरी गुड साहिल. ओके, लैरिंग्स परफेक्ट. खुशी, शांतनु, लैरिंग्स बराबर बराबर. अभी रुको, ये क्वेश्चन नहीं था. तो हमारे पास लैरिंग्स है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिसपे वोकल कॉर्ड्स है. एडम्स एप्पल बोलते हैं उसको. वैसे बर्ड्स में क्या है? जल्दी भेजो, मैंने बताया था आपको. जैसे हमारे पास लैरिंग्स है, बर्ड्स में क्या है? मैंने जब लैरिंग्स पढ़ाया था तभी मैंने बताया था. काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट एक महीने पहले रेस्पिरेशन पार्ट हुआ था, लेकिन याद आना चाहिए. क्या हुआ, google.com पे नहीं है ना? सब लोग भूल गए. ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने भेजा है अभी. आई सेंड दिखा. साइरिंग्स या सीरिंग्स. ओके, सो बर्ड्स के पास क्या होता है ब्रीदिंग के लिए? दे हैव दी सीरिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट वन नाउ, एमसीक्यू नंबर नाइन. एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय? Very good, yes, Vaishnavi, Megha, Deepika, okay, Om, Deep, Shruti, yes, all are right, that is epiglottis, perfect, epiglottis. Achha, ye try karo, ye thoda tricky hai, At which level of vertebrae does the trachea divide into the right and left primary bronchi? At which level will it divide into the right and left primary bronchi? Yes, fifth thoracic. Very good. Okay, so next then. Primary and secondary bronchi do not collapse because, ये मैंने बताया था आपको. Very good, Megha. They are supported by cartilaginous rings. मैंने आपको ये सिखाते हुए बताया था कि सबके पास cartilage होता है एक को छोड़ के. Do you remember वो 500 word था? मैंने आपको जानबूझ के उसके ऊपर stress किया था. That this does not have cartilage. Cartilage is present in all except dash.
लैरिंग्स में काट लीजिए, फेरिंग्स में काट लीजिए, ट्रकिया में काट लीजिए, ब्रोंकाई में काट लीजिए, राइट? किसमें कार्टिलेज नहीं है वो आप याद रखो, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स लैक कार्टिलेज, एमसीक्यू हमेशा आएगा, याद रखना ब्रोंकियोल्स। सो एमसीक्यू नंबर 11 वी हैव कंप्लीटेड। सर 12 वर जाऊ शकतो प्लीज। थैंक यू। हेलो सर, सर एमसीक्यू नंबर 12। ओके थैंक यू। ओके सो चलो एमसीक्यू नंबर 12। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर सपोर्टेड, देखो आ गया ना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, यस द आंसर इज द ब्रोंकियोल्स, राइट? परफेक्ट परफेक्ट। चलो नेक्स्ट वन 13, हाईली वैस्कुलराइज एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स आर कॉल्ड एज, वेरी गुड, फास्ट बताओ, वेरी गुड मेघा, ग्रीन, यस वैष्णवी, दीप, आंसर इज बी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, यस। ये बताओ इन ह्यूमन लंग्स द लंग्स आर लॉज्ड इन दी, yes very good, the lungs are lodged in the, very good, yes, thoracic cavity, lungs kisme lodged hai, lungs are lodged in the thoracic cavity, perfect। baki students bhi answer karo, mujhe kuch same naam dikh rahe bar bar screen pe, all of you participate please, even if you go wrong it's okay, lungs are covered by, lungs are covered by, very good very good, sania I am sure before. Okay, so yes, answer is a perfect, right? They are covered by the pleura. Pericardium kiska hoga? Yes, Purvi, you are right. Pericardium ka kiska? Pericardium heart ka hoga. Dura mater kiska hai? Batao, brain ka hai. Dura mater is a covering of the brain. Theek hai, pericardium is covering of heart. Listen's capsule kiska hai? Batao, dekhte kaun answer kare. Very good, Sahil. Sahil from Boisar. Perfect. Answer is liver. Glycine's capsule is a liver, you know, covering protection ke liye. Yes, so let's go for the MCQ number 16. MCQ number 16. Human lungs are comprises of. Very good. Perfect. Bronchi, bronchiole and alveoli. Very good. Kyunki trachea to nahi aayega. Trachea lungs ka part nahi hai. Perfect. The answer A nahi aayega Sanskruti. A में ट्रकिया दिया, ट्रकिया इज नॉट पार्ट ऑफ लंग, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एल्वियोलाई देयर इज अ पार्ट ऑफ द लंग्स, ओके, डी भी नहीं आएगा, ब्रोंकाई एक, ह्यूमन लंग कंप्राइजेस ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई, सी ब्रोंका आल्सो गो टू द लंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज, बोलो जल्दी, यस क्या लग रहा है आपको इसमें, थोड़ा मुझे लग रहा है सबका, टू प्रोटेक्ट लंग्स बी तो ऑप्शन नहीं होगा, टू सेपरेट द विसरल ऑर्गन्स फ्रॉम द हार्ट, नो, डायफ्रेम, डायफ्रेम कभी भी हार्ट को अलग करने के लिए नहीं बना था, याद रखो डायफ्रेम लंग्स के नीचे, हार्ट तो काफी ऊपर है, द आंसर हैज टू बी टू एड इन वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, बट ये काम है यार, ब्रीदिंग में डायफ्रेम हेल्प करता है, यस डायफ्राम हेल्प्स इन वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, लेकिन उसका मेन काम वो भी नहीं है,
क्योंकि देखो वेंटिलेशन मुझे पता है डी भी एक राइट आंसर है. यू हैव टू मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या पता आपको? ए आंसर है. मोस्ट अप्रोप्रिएट इज इट डिवाइड्स इनटू थोरैक्स. थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है कंपार्टमेंट में. ये डी भी है. डी इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग नो डाउट. लेकिन आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में डायफ्रेम ब्रीदिंग में हिस्सा नहीं लेता राइट. लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट लेडीज कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. लेकिन एट द सेम टाइम याद रखो जब डायफ्रेम पंक्चर हो जाता है. डायफ्रेम के लिए आपको मैंने वर्ड बताया था. क्या बताया था बोलो? सेंड इन द चैट. डायफ्रेम के लिए मैंने आपको बोला था ये वर्ड डायफ्रेम से कनेक्टेड है कि डैश मसल्स डैश आर्टरी डैश वेन. यस वेरी गुड दीप. दीप फ्रॉम धानु. फ्रेनिक वेरी गुड. फ्रेनिक इज द वर्ड फॉर द डायफ्रेम. चलो नेक्स्ट. पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ड्यू टू. जल्दी बोलो. पल्मोनरी मतलब लंग्स. पल्मोनरी वेंटिलेशन वेरी गुड. डी डी इंटरकोस्टल मसल डायफ्रेम दोनों है राइट. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट. 19. द एयर रीचिंग एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज. एनसीक्यू नंबर 19. The air reaching the exchange part of respiratory system. Exchange happens in the alveoli, right? So, जो air वहाँ तक पहुँचती है, definitely it is see, definitely it is warm. Warm है, dry तो नहीं होगी. So, warm, humid, and rich in O2, right? So, it has to be C. Very good. Yes, perfect. अरे sir के answer करें. चलो सी इज द राइट आंसर. सर मैं कृतिका है. अच्छा कृतिका इज आंसरिंग. ओके सर का नाम आ रहा है स्क्रीन पे. हां वो सर ओके के नाम से जॉइन हुए. ओके गुड गुड कृतिका. राइट आंसर इज सी. प्लीज बाकी लोग ने जो बोला है वो सब नहीं आ सकता क्योंकि ड्राई कैसे होगा. डी नहीं आएगा. एक्चुअल चलो 20. एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर ऑकर्स एट व्हाट. अभी मैंने आंसर बोला. Yes, very good. It happens in the alveoli. 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 Very good, Nitya. Okay, 21st. Which of the following phenomena responsible for inspiration expiration? Om is the first to answer. A is the right answer. Pressure gradient. P, PO2, PCO2. Yaar hai? PO2, PCO2 level stay. Absorption and absorption nahi aayega. 22nd. Lungs do not collapse. They require no collapse cup. Lungs do not collapse between breaths and some airway remain in lungs which can never be expelled because. Dekhte hain iska answer kaun deta hai. ट्वेंटी सेकेंड का आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है. 22nd का ऑप्शन बोलो ABCD. 22nd का आंसर बोलो ABCD. मेघा नित्या ने आंसर किया है. यस साहिल फ्रॉम बोईसर इज राइट. आंसर इज See, there is negative intrapleural pressure pulling at the lung wall. Lungs ke andar pressure negative hota hai. Intrapleural pressure is negative. Right? Elastic recoil. Physics se ye pura. 23rd. Identify the correct statement about inspiration. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. वेरी गुड. आंसर इज बी. बिकॉज बी में क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रेम विच रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक. नहीं इंक्रीज इज थोरैसिक चेंबर. तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. यस 23rd का बी है. 24th.
बोलो क्या आएगा 24th एक्सपिरेशन ऑकर्स व्हेन बच्चों आंसर बी है साहिल तूने अभी अच्छा वक्त है किया मैं वही सोचा ए क्यों बोल रहा है देखो आप लोगों को याद होगा इंस्पिरेशन में इंटरपल्मोनरी प्रेशर है ही नहीं कुछ तो ऑप्शन ए में इंटरपल्मोनरी दिया है इंटरपल्मोनरी का मतलब क्या पता है दो लंग्स के बीच का प्रेशर दो लंग्स के बीच का प्रेशर थोड़ी है इंट्रापल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर तो अभी आप लोग ही बताओ कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपेंस एयर प्रेशर इन द लंग्स इंस्पिरेशन में एयर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है और एक्सपिरेशन में एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेस राइट सो लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन तो आंसर इज बी ओके चलो 25 जल्दी ये मैंने बताया था आपको वेरी गुड शांतनु सी स्पायरोमीटर यस 26 नाउ 26 यस ये बोलो 26 का विच आर द फॉलोइंग मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस सोच के बताओ 26 नॉर्मल ब्रीदिंग यस आंसर इज सी एक्सटर्नल एंड इंटरनल intercostal muscles perfect 27 the muscles that help in forceful inspiration are forceful inspiration yes d and all of the above forceful mein all of the above hai abdominal muscles also help normally forceful inspiration mein chalo 28 to bachcha bhi bol sakta hai answer 28 jaldi वेरी गुड 12 टू 16 टाइम्स या 12 टू 20 टाइम्स रहेगा तो भी चलेगा 20 25 ज्यादा हो गया वेरी गुड यस यस कृतिका यू आर राइट देन नेक्स्ट वन 29 आईआरवी कितना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है यस ओम नित्या यू आर राइट परफेक्ट प्लीज शो दैट एमसीक्यू 2500 टू 3000 है ना बराबर है Yes, so 30 बोलो ERV plus RV. Very good. Functional residual capacity. ERV plus RV. Very good. 30 का हो गया. 31st. Volume of air inspired or expired during normal respiration is called as. बोलो जल्दी फटाफट 31. First, yes. Om, perfect. और कोई Om ने right answer दिया है. तो बहुत easy है. टाइडल वॉल्यूम बी 31st का बी है यस राइट कृतिका देन 32nd एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन जोर लगा के एक्सपिरेशन करेंगे ऑप्शंस ऑप्शन नहीं दिख रहे ऑप्शन का दिख रहे ओम ने कैसे अच्छा आप लोग के पास पीडीएफ है आपके पास ओके यस ओम एंड मेगा इज आंसर्ड सो 32nd का 32nd Yes, 32 is yes, Vaishnavi, right. 32 is B, expiratory reserve volume, ERV. Chalo, 33. The vital capacity of lung signifies, yes, Nitya, you're right. 33 abhi. We see vital capacity of lung signifies what? Yes. Om is right. Option B, volume of air breathed out. After forceful inspiration, अंदर air बहुत अंदर लेने के बाद कितना air breathe out कर सकते हैं? Perfect. Then let's go to 34. How much amount of volume of air in lungs is FRC? FRC का volume कितना है? Very good, Sanskriti, Asmita. Answer is B. Right, B answer. Yes, Purvi, Nitya, right, perfect.
चलो ठीक है 35 मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन. बोलो अभी भी क्या है. नित्या सेज ए. व्हाट डू यू थिंक. तो कोई बी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है. बोलो 35 का क्या होना चाहिए. ए तो नहीं आएगा बी आएगा. बी बी यस. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 36. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ह्यूमन रेस्पिरेशन. यस बोलो कौन से राइट लग रहे हैं. नहीं आप ऑप्शन बताओ. फोर क्या नित्या डोंट सेंड फोर. ए बी सी डी भेजो. पहले आप 1, 2, 3, 4 में से कौन सा राइट लग रहा है बताओ. वैष्णवी ने डी बोला है. आर यू श्योर वैष्णवी. डी ऑप्शन. कौन से स्टेटमेंट्स. देखो ऑप्शन ए बी सी डी में स्टेटमेंट देखो क्या दिए. Simona says A. Shantanu says C. Deep बोल रहा है A. Nitya बोल रही है C. सब अलग अलग बोल रहे हैं. Om अभी D बोल रहा है. Roshan A बोल रहा है. Mega V बोल रही है. अरे वाह क्या बात है. सब आंसर आ गए. Yes. Hiram देखो पहली बात साइन सी बोल. देखो पहली बात स्टेटमेंट फोर है ना वो तो पक्का राइट है. टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन. तो ए फोर स्टेटमेंट फोर तो राइट ही है. अब टू और थ्री के बीच में बताओ. टू वाला राइट है कि थ्री वाला राइट है. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. फोर स्टेटमेंट राइट है. चलो 37. That is the primary site of exchange of gases. Very good. The alveoli. देखने की जरूरत ही नहीं. Very good. चलो 38 जल्दी. 38. MCQ number 38. Partial pressure of carbon dioxide in alveoli is equal to the partial pressure of carbon dioxide in partial pressure PP of carbon dioxide in alveoli PCO2 in alveoli is equal to the partial pressure of carbon dioxide in. क्या होगा. ऑक्सीडेटेड ब्लड तो नहीं आएगा. शुड बी सी आई थिंक दैट इज डी ऑक्सीडेटेड ब्लड. यस अभी वो वैल्यूज देखो. 39 में दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इन द लंग्स इज ये दिया था अभी. वेरी गुड. 40 ये टेक्स्ट बुक में पीडीएफ में दिया है. Yes, yes, perfect, perfect. 40 का बोलो जल्दी. What is the value of PO2 in alveoli and tissues? Alveoli में ज्यादा रहेगा. Tissue A, perfect. A is the right answer. चलो 40 हो गया. Yes. 41st. 41 जल्दी सब MCQs complete करने आज. We have to complete the chapter today. 41st. How the transport of O2 CO2 by blood happens? Very good. With the help of
RBC and plasma. C is the right answer. Perfect. Yes, Kritika, you're right. C. 42nd. What is the percentage of CO2 carried in the dissolved state through the plasma? Bolo. Sabse itna hai jaldi. Yes, very good. Om is right. 42nd. Vaishnavi, right. Purvi, right. The Kritika, right. Yes. Kushi C nahi aayega beta. A is 7%. 7% DB nahi aayega. 43rd. Hemoglobin forms a compound base. Dekho, chalo fada fada. Very good. D. Om is right. Both A and B. Hemoglobin HbO2 and HbCO2. Yes, Kritika. 44. Which of the following is incorrect about hemoglobin? Incorrect, huh? Mega, Kushi. Kushi A bol rahi hai. Vaishnavi, perfect. Vaishnavi is right. Nitya, right hai. Shantanu, right hai. C. CO2 is carried by. Simona, you're wrong. Simona, baki sab baat right kiya hai Simona ne. CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin. Carboxy, purvi D nahi aayega. CO2 or HB, hemoglobin or carbon dioxide jab join hote hai, तब कौन सा कंपाउंड बनता है मैंने इसलिए व्हाइट बोर्ड पे याद है तीन तीनों अलग अलग से दिया था आपको बार बार रिपीट किया था HbCO और HbCO2 में कंफ्यूजन होता है HbCO इज व्हाट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज HbCO एंड HbCO2 इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ओके याद है यस परफेक्ट चलो 45 Only A ki B. Yes, Kritika is right. D. All of this. Dekho, blood ki maine aapko bataya tha, CO2 and hydrogen ions increase the acidity of blood. Blood ki acidity kaun badhata hai? CO2 and hydrogen. So, dono aayenge na, A aur B, so dono temperature bhi thoda affect karta hai. So, 45 answer is D. 46. Dash curve. Yes, perfect. Vaishnavi is right. Sigmoid. Gunadali. Murali D nahi hai. B right hai Murali. Yes. 40. Yes, Nitya. All are right. Murali also. Manasvi is right. Okay, chalo. Uske baad. 47. Very good, Shantanu. Roshan. A is the right answer. Yes, Mega. Carbamino hemoglobin. Yes. Carbamino hemoglobin. 47 is A. Perfect. 48. Jaldi. Very good, Nitya. Yes, Kritika. Right answer is B. Yes. Yes. Perfect. All of you are right. Shantanu. Yes, B is the carbonic anhydrase. 49. CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level. Yes. वही आएगा ओम यस सी आएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट यस सी आएगा ये संस्कृति राइट 50 का बोलो जल्दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन वेरी गुड सानिया दीप राइट नित्या शांतनु मेडुला ऑब्लोंगेटा यस कृतिका मेडुला ऑब्लोंगेटा 51st न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर ऑफ ब्रेन रिड्यूसेस The duration of inspiration. Yes. Perfect. Om and B is the right answer. Yes, Nitya. B is the right answer. Pneumotaxis center. Pneumotaxis. Because option A nahi aa sakta. Respiratory rhythm center to medulla mein. Pulse mein hai nahi. Right? Chalo 52. Sir. Bolo, bolo, bolo. Sir, Vishakha from Vasai is sending answers to me. अच्छा she's sending answer अच्छा 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 yeah okay I told her twice but still अच्छा विशाखा please send answers यहाँ पे actually मैंने chat में settings में अगर chat to अच्छा you are the host क्या yeah sir
अच्छा तो होस्ट ओनली ओनली करके अच्छा चलो एवरीवन करते सेटिंग्स में ना चैट विद होस्ट ओनली था तो यू आर द होस्ट ना इसके लिए वो होस्ट ओनली पे जा रहा है शायद ओके नहीं क्योंकि बाकी बच्चे आपको सेंड कर पा रहे हैं ना हां मतलब बाकी लोग का मैं देख पा रहा हूं विशाखा का मैं भी नहीं देख रहा था ना ओके अभी शायद अभी हो जाएगा अभी आ जाएगा ओके सो 52 अ कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर यस बोलो इसका आंसर यस CO2 एंड हाइड्रोजन मैंने अभी भी वही बताया ना एसिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय द CO2 एंड यस परफेक्ट 52 का आंसर है बी दैट इज CO2 कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयंस 53 पे जाना है अभी Role of dash in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. मतलब इसका importance नहीं है. Very good. Answer is yes, Mega. You are right. Answer is A. Answer A आएगा ना hydrogen ही आएगा. It has to be hydrogen. Yes. Okay, then MCQ number 54. Chemoreceptors associated with aortic arch and carotid artery. Carotid artery or aorta? Aorta पता है आपको? Aortic arch. अभी क्या ना हम लोग ने aorta के तीन branches होते हैं याद है? Subclavian, common carotid, arch of aorta और carotid artery carries the blood to the brain. So they recognize changes in CO2 and hydrogen to pakka hai. And will they send the signals to the rhythm center, medulla ka? Yes. The answer has to be D. That is okay, mega, right? Both A and B aana chahiye. Yes. Now, MCQ number 55. Yes, Shantanu, Reen, Vaishnavi, Sanskruti, you are all right. Kushi, dekho, B nahi aayega. D kaise aaya? Mega right hai, 50. Yes, 55 na, ek minute check karta hoon main. Name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking. Cigarette smoking. So answer has to be, ek minute. Answer has to be C. Answer C hai. Yes, sabne C bheja tha na? Yes. Emphysema. Emphysema mein kya hota hai? Alveoli get destroyed. Right? Cigarette smoking. Dekho, ye jo baki option hai na, respiratory or acidosis, alkalosis, wo nahi aayega. Achha, agar isme bronchitis hota, chronic bronchitis hota, to wo bhi aa sakta tha. Chronic bronchitis is also caused by the smoking, huh? वो भी याद रखो। Then MCQ number 56, asthma may be attributed to सब लोग अलग-अलग भेज रहे हैं। Yes, Mega, Om A भेज रहा है, कोई B भेज रहा है। Shantanu, okay। देखो 56 का Asthma can be attributed to Vishaka का अभी भी नहीं आ रहा है Vishaka अभी भी लगता है वहाँ पे होस्ट कृतिका कोई जा रहा है उसके में कुछ asthma may be attributed to नहीं सर अब मुझे भी नहीं आ रहा अच्छा मुझे भी नहीं आ रहा अच्छा ठीक है अब वो लगता है वो आंसर नहीं करेगी now 56 का A नहीं आएगा B भी नहीं आएगा C answer is D allergic reaction of mast cells in the lungs Actually, asthma is a type of allergy. It is genetically controlled. Right? 57. Name the pulmonary disease in which alveolar surface or area involved in gas is drastically reduced to damage the intra in the alveolar walls. Pulmonary matlab lungs ka disease hai in which alveolar surface surfactant kam ho jata hai.
क्या लग रहा है आपको? देखो कोई सी बोल रहा है और कोई डी बोल रहा है, आधे लोग सी बोल रहे हैं आधे लोग डी बोल रहे हैं, ज्यादा लोग सी बोल रहे हैं। राइट आंसर इज सी ओनली, सी है। देखो क्योंकि डी भी बराबर है, डी सोचना भी आपका राइट है। एक मिनट डी का भी देखता हूँ, एक मिनट। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियुलर वॉल्स। इसका आंसर है ना, देखो प्लूरिसी क्या है, देखो सुनो 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 प्लूरिसी क्या है मैं बताता हूँ। न्यूमोनिया तो नहीं आएगा, अस्थमा भी नहीं है। इसका आंसर मेरे हिसाब से डी आना चाहिए। कितने लोगों ने डी बोला था? एम्फाइसिस आना चाहिए। ओम इज राइट, शांतनु इज राइट, कृतिका ने भी शायद डी बोला था, वैष्णवी ने भी डी बोला था, नित्या ने भी डी, और सिंह मृणाली ने डी बोला था। राइट, डी आंसर है। संस्कृति ने भी डी बोला था, परफेक्ट। डी आएगा, डी क्यों आएगा? देखो सुनो, प्लूरिसी क्या है? प्लूरिसी का दूसरा नाम क्या है? प्लूराइटिस। लंग्स इज कवर्ड बाय व्हाट? प्लूरा। जो एल्वियोला है ना वो लंग्स का हिस्सा है। प्लूरा क्या है? लंग का कवरिंग है, बराबर। द आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लूरा। राइट, पैराइटल प्लूरा होता है और विसेरल प्लूरा होता है, और दोनों के बीच में कैविटी होती है कॉल्ड प्लूरल कैविटी। राइट, और उसके अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। अभी प्लूराइटिस मतलब क्या है? इंफ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्लूराइटिस? इंफ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। और प्लूरा क्या है? लंग का पार्ट है ही नहीं, लंग का कवरिंग है। प्लूरिसी उसका दूसरा नाम है, समझ रहे हो? प्लूराइटिस का दूसरा नाम है प्लूरिसी, ये भी मैंने बताया था आपको। प्लूरिसी इज अनदर नेम फॉर प्लूराइटिस, समझ में आया ना सबको? और प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एल्वियोलाई डैमेज हो रहा है, तो एल्वियोलाई डैमेज इज देयर इन एम्फाइसीमा बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड मेनी अदर रीजंस। ओके, सो चलो नेक्स्ट। 58, फाइब्रोसिस मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइब्रोसिस? मेघा ने भेज दिया है सबसे पहले डी, संस्कृति ए बोल रही है, ओम इज सेइंग डी, शांतनु इज सेइंग ए, और मोस्टली आर सेइंग ए। व्हाट डू यू फील? यस, राइट आंसर इज डी, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। देखो ये इतना आसान थोड़ी है। फाइब्रोसिस मतलब क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबर इन लंग। जाके वहां पे कोई फाइबर थोड़ी डाल रहे हैं, ऐसे कैसे? फाइबर लंग में नहीं जमता कुछ। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में ज्यादा, फाइब्रस टिश्यू ज्यादा प्रोलिफरेट डिवाइड होता है। डी कितने लोगों ने बोला था? वेरी गुड, जिन्होंने डी बोला है, नित्या, रोशन, ओम, मेघा, यस, कृतिका। कभी भी देखो ये लग रहा है राइट है, ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इट इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर हैज टू बी डी, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। ओके, 59, आइडेंटिफाई द लंग डिसऑर्डर रिलेशन टू ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, वापिस एबीसी सब बोल रहे हैं। द राइट आंसर इज ओके, राइट आंसर इज एम्फाइसीमा तो नहीं आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस इज व्हाट? बोन्स बिकम हॉलो। आंसर इज फाइब्रोसिस। यस, कृतिका इज राइट, फाइब्रोसिस। बिकॉज देखो ऑक्यूपेशन लंग डिसऑर्डर दो है, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस और सिलिकोसिस में सिलिका पार्टिकल्स, ये एक्यूमुलेट होते हैं विच कॉजेस फाइब्रोसिस इन द लंग। अस्थमा इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, अस्थमा तो जेनेटिक है, बहुत लोगों ऐसे भी एलर्जी से होता है। ओके, ए इज द राइट आंसर। ओके नित्या, यस, 60, यस, वेरी गुड, सी, परफेक्ट। क्योंकि बाकी सब लंग से कनेक्टेड है, अस्थमा, फाइब्रोसिस और एम्फाइसीमा। टेटनी इज व्हाट? विटामिन, कैल्शियम डेफिशिएंसी से टेटनी होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर है। वेरी गुड, ऑल आर राइट। देन 61st, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच आर द फॉलोइंग गैसेस एक्सचेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अस टू ब्रीथ? क्या लग रहा है आपको? यस, बी शुड बी द राइट आंसर। राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2, दोनों होगा ना?
rising CO2 to hai, but falling O2 is also very important. Yes, 62nd, the last MCQ for today. Yes, Kushi Singh D, very good. Asmita, Green, Johnson. When CO2, Shantanu, when CO2 concentration in the blood increases, right, breathing becomes faster. Yes, Kritika, right, faster and deeper. It has to be fast, na? Because jitna fast breathe karenge, utna oxygen supply wapis milega. So it should be faster and deeper. So I hope apne jo, so this chapter, you know, breathing and exchange of gases, that is also called respiration part. Human respiration is completed, everyone, right? Anyone has any doubts to ask? Kisi ko kuch bhi puchna ho, to please pucho abhi. Anything you want to ask, any doubt, any difficulty, please aap apne ghar pe MCQ solve karte raho, please padhai karte raho. Aur apne bio ka test diya, kisko highest mila hai, achha, I think few people have got very good marks. Om Yadav first. Om Yadav was the topper. Om, ha, Om, Om, abhi bhi answer bahut achha kar raha hai. Very good, Om. Congratulations. I am seeing you are answering also. Tumhare kafi answers right hai. Tricky wale bhi tum abhi right kar rahe the. So keep it up. All the others also, you all are performing well. Aapko ye chapter, I am sure, obviously was very interesting chapter. Circulation and respiration. So please keep up the spirit and please continue studying hard. Right, even during the lockdown. You have a lot of time available. Okay, so I hope there is no doubt. If किसी को कुछ पूछना हो doubt हो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी चिराग सर का lecture ऐसे मुझे लग रहा है,